भाजपा भले ही अनुशासन का पाठ पढ़ाती आई हो, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो खुलेआम अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लक्सर के भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने बदतमीजी की तमाम हदों को पार करते हुए विपक्षियों को खुलेआम गालियां दे डाली और विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने शासन प्रशासन पर भी जमकर हमला बोला। जिसकी मर्जी खूब खाओ, खाने में कोई बंदिश नहीं है, सब छूट है। मेरे भाई और इस खादर क्षेत्र का स्वाभिमान नहीं गिरने देना। लोग सोचेंगे खादर के लोग तो बिकाऊ है। मेरे भाइयों, वो चुनाव तक यहाँ है, चुनाव के बाद दिखाई नहीं देंगे। यहाँ संजय गुप्ता ही दिखाई देगा। गलियों में लोग कहते हैं, मैं किसी गरीब रिक्शा वाले से अगर हाथ मिलाता हूँ तो वो कहते हैं तो रिक्शा वाले के साथ दारू पीता है। क्या रिक्शा वाले के साथ हाथ मिलाना गलत है? नहीं। मैं रिक्शा वाले को इसलिए गले लगाता हूँ, मैं जानता हूँ पीएचडी हो रहा है जितनी में मैं भाजपा विधायक ने मंच से ही विपक्षियों को गालियां देनी शुरू कर दी थी। अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले भाजपा के बड़े नेता आबिन महाशय पर क्या कार्रवाई करेंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन लक्सर की जनता ऐसे विधायक को क्या एक बार फिर मौका देगी? वहीं लक्सर के भाजपा विधायक संजय गुप्ता को SDM कौस्तुभ मिश्रा ने नोटिस देकर 3 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। आपको विदित है वर्तमान समय में 4 तारीख से माननीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की दी है, उसी के आधार पर यहाँ पे आचार संहिता लागू हो गया है। ETVM अन्य समाचार चैनलों के माध्यम से 10 तारीख को ये संज्ञान में आया कि एक जनसभा करते हुए यहाँ के वर्तमान विधायक श्री संजय गुप्ता जी दिखाई दे रहे थे। इस संदर्भ में उनको नोटिस जारी किया जा रहा है कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, किसकी परमिशन के बाद वो जनसभा आयोजित की गई और जिसमें अभद्र भाषा का के प्रयोग का आरोप लग रहा है, उनको नोटिस तत्काल आज यहाँ से जारी किया जा रहा है। भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। SDM ने विधायक से तमाम कार्यक्रम की जानकारी मांगी है और नोटिस में पूछा है कि उन्होंने खुलेआम मंच पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कैसे किया। SDM के नोटिस से विधायक समर्थकों में हंगामा मचा हुआ है। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान।